यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति को स्थापित करने के लिए लेके जा रहे हैं, और ये कृष्ण भगवान राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति है जो कि यहाँ पर स्थापना की जाएगी। और ये देखिए रख दिया गया है यहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्ति को, और राधे कृष्ण भगवान यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं जहाँ हमने इतने अच्छे से डेकोरेट किया था, ये देखिए। तो फाइनली राधे कृष्ण भगवान की मूर्ति को की स्थापना कर दी गई है और अब पूजा की तैयारियां की जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति को स्थापित करने के बाद में पूजा की तैयारियां कर रही थी मैं यहाँ पर, जो भी घट वगैरह बिठाना था रखना था वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज कर रही थी मैं। और यहाँ पर कृष्ण भगवान के गाने भी बजते जा रहे थे, तो मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था यहाँ पर। यहाँ पर मैंने जो ओरिजिनल वॉइस है सॉन्ग्स की वो वैसे ही रखी हुई हूँ। और यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ में घट और दिया वगैरह जो भी रखना होता है वो सारी चीज़ें मैं प्रॉपरली अरेंज कर रही थी, और साइड में गाय गोरा वगैरह भी रखना होता है। और ये गाय गोरा क्या होता है ये आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ये देखिए कृष्ण भगवान बनाया हुआ था, कुहू को कन्हैया बनाया था हम लोगों ने। तो जब तक कि मैं अच्छे से सब प्रॉपरली सब अरेंज कर रही थी तो इसके साथ सब लोग खेल रहे थे, अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहे थे इसके, तब तक कि मैं पूजा वगैरह की तैयारी कर रही थी साइड में। पूरी फोटोज लेना, मैं सिर्फ वीडियो ले। वो क्या खा रहे हो बेटा? इसके टिकली नहीं लाएगी आप? टिकली नहीं लाए? और हमने यहाँ पर कुहू को माखन दे दिया था, तो कुहू बड़े इंटरेस्ट से माखन खा रही थी और पूरा मुंह वगैरह कपड़े वगैरह सारे भरा लिए थे, सारे ख़राब कर दिए थे उसने। क्या कर रही हो? पूरा हाथ भरा है। और एज यूजुअल जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं तैयारियों में लगी हुई थी पूजा की, क्योंकि सामने में हमें थोड़ी देर के बाद में यहाँ आरती वगैरह करना था, तो आरती करने के लिए सारी चीज़ें मुझे सब कुछ तैयार करके रखना था, इसलिए मैं सारी चीज़ें पहले तैयार कर दे रही थी। उसके बाद हम लोग सब मिलके करेंगे यहाँ पर आरती, और आरती करने के पहले वन बाय वन सब लोग पहले पैर पढ़ लेंगे, जिसको भी जो कुछ चढ़ाना है वो चढ़ा लेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर करेंगे आरती। और यहाँ पर बड़ी दीदी पूजा कर रही थी, ये जो कि मेरी लगती है जिठानी, वो पूजा कर रही थी यहाँ पर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सब लोग वन बाय वन यहाँ पर पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद में जिसको जो जैसी जो भी पूजा करना है वो कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग करेंगे आरती। तो चलिए कर लेते हैं पूजा यहाँ पर पहले। Thank you.
और फ्रेंड्स यहाँ पर आरती हो गई थी। आरती करते वक्त मेरा मोबाइल एक्चुअली स्विच ऑफ हो गया था, तो आरती का जो सीन है वो नहीं आ पाया। सो फ्रेंड्स कन्हैया जी बैठ गए हैं हमारे घर पर, स्थापना हो गई है कन्हैया की, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे स्थापना हुई। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी में नहीं बता पाई अच्छे से कि मतलब मैं कैसे रेडी हुई हूँ। रेडी तो मैं हुई नहीं हूँ, बट मैं मतलब कैसे स्थापना हुई और जल्दी जल्दी में मैं आप लोगों को कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो शेयर नहीं कर पाई, जैसे कि जो भी भोग वगैरह लगाया था, जैसे सारी चीज़ें हमने अरेंज की थी, घट वगैरह जो बैठाते हैं वो सब चीज़ें। बट हाँ, मैंने वहाँ पे ले जाके आप लोगों को सब कुछ दिखाया है कि कैसे हमने बिठाला है और कैसे स्थापना की है कृष्ण जी की मूर्ति की। और पता नहीं कुछ लग गया है मुझे यहाँ पे शायद कुमकुम। तो आरती वगैरह सब कुछ हो गई है। आरती वगैरह होने के बाद में मैं अभी फ्री हो गई हूँ, अभी हम करेंगे फलाहार, क्योंकि आज आज का रात का और कल मॉर्निंग से दोपहर तक का फास्ट है सबका, तो सब लोग फास्ट हैं सब लोगों का आज, तो सब फलाहार करेंगे, साबूदाना या कुछ भी जो होगा वो खाएंगे। और देखिए कितना बड़ा तिलक लग गया है मुझे, इतना बड़ा सा तिलक लग गया है और ये अजीब सी दिख रही हूँ मैं। और आज बिल्कुल भी समय नहीं मिला, मैं आप लोगों को कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए नहीं बता पाई कि ब्लॉग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने जस्ट जो जो चीज़ें मुझे लगती गई मैंने शूट करती गई हूँ, और बस कुछ इस तरह से था। कृष्ण जी का जन्म जैसे होता है और जिस तरह से पूजा होती है हमारे यहाँ पे, मैंने आप लोगों को शेयर की है। कैसी लगती है आपको हमारे यहाँ की कृष्ण जन्माष्टमी की ये पूजा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड्स। और आप लोगों के यहाँ कैसी होती है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और ऐसा है आज का मेरा पूरा ब्लॉग, और आगे देखते हैं क्या होता है। 12 बजे की पूजा में भी 12 बजे तक जगेंगे सब लोग, तब तक ये मौज मस्ती होगी थोड़ी बहुत। और 12 जब बजेंगे तब मेन पूजा होगी, जो कृष्ण भगवान को जो जनेऊ होता है वो धारण करवाया जाता है और पूजा होती है 12 बजे रात में। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी कि कैसे हुई पूजा और क्या हुआ, किस चीज की पूजा होती है 12 बजे रात में, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ऐसी होती है कृष्ण जन्माष्टमी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और आगे आगे देखते रहिए कैसा होता है। और ये देखिए 12 बजने का हो रहा है इंतज़ार, तब तक के कुहू के साथ हो रही है फुल ऑन मस्ती। सब लोग घर के फैमिली मेंबर्स कुहू के साथ मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ साथ कुहू भी 2 बजे तक जाग गई थी, क्योंकि पूजा करते करते पूजा के वक्त भी कुहू जागी हुई थी। 12 बज चुके थे फिर भी कुहू जागी हुई थी। मेन पूजा स्टार्ट होने वाली है रात को 12 बजे की, जो कि होती है गाय गुरा, जो मेन पूजा होती है हमारी। और ये देखिए 12 बज चुके हैं, 12 बजने के बाद में यहाँ पर पूजा हो गई है चालू। बाहर में गाय गुरा लेके आया जाता है, ये जो मैं पूजा कर रही हूँ ये है गाय गुरा, जिसमें एक ढीमर होता है और 2 गाय होती है। वो 2 गाय की पूजा की जाती है और लाई और चने चढ़ाए जाते हैं गाय को और जो ढीमर होती है उन्हें, और तिलक वगैरह लगा के उन्हें लाई चना दे के उनकी आरती वगैरह की जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये देखिए आपको यहाँ इतने अच्छे से नहीं दिखेगी शायद, बट ये मिट्टी की गाय है जो हाथ से बनाई जाती है, और इन्हीं की पूजा मेन इम्पॉर्टेंट होती है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। हमारे यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है, जिसे हम गाय गोरा कहते हैं, और इन्हें राधे कृष्ण की मूर्ति के साइड में स्थापित किया जाता है। और यहाँ पर जो घर के राधे कृष्ण कृष्ण भगवान हैं, बाल गोपाल हैं, घर के मंदिर में उसकी भगवान पूजा कर रहे हैं। रात को 12 बजे दिया वगैरह लगा के, धूप अगरबत्ती वगैरह जो भी होती है वो लगा के कृष्ण भगवान की यहाँ पर पूजा की जा रही है, और उसके बाद में की जाएगी जो मंडप पे यहाँ पर बैठे हुए हैं राधे कृष्ण भगवान उनकी। ये देखिए ये है राधे कृष्ण, जिनकी पूजा आज 12 बजे की जाएगी, की गई है, एक्चुअली हो गई है। और साइड में जो गाय गोरा मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है ये, जिसमें कि देखिए ये है ढीमर, जो बड़ी सी मूर्ति दिख रही है मिट्टी की वो है ढीमर, और जो 2 नीचे है वाइट कपड़े के नीचे वो है 2 गाय। ये वाइट कपड़े से हमें ढकना होता है, तो ये है गाय गोरा जिनकी पूजा की जाती है। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे किस तरह से पूजा होती है हमारे यहाँ, कैसी पूजा होती है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और रात के अभी बज रहे हैं 2 बज गए हैं जन्माष्टमी की पूजा वगैरह 12 बजे की पूजा हो गई है, क्योंकि
आपको तो पता ही होगा कि 12 बजे रात में कृष्ण जी का जन्म हुआ है, तो रात को 12 बजे मेन पूजा जो होती है जन्माष्टमी की, वो रात को 12 बजे होती है। तो वही हमने 12 बजे रात में जन्माष्टमी की पूजा की है। आरती वगैरह तो पहले ही हो गई थी, उसके बाद में अभी 12 बजे, और 12 बजे उसके बाद 12 बजे हमने अभी पूजा कर ली है जन्माष्टमी की पूरी अच्छे से। और अब थोड़ी सी मस्ती वस्ती करने के बाद में, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया कुहू के साथ में मस्ती, फैमिली के साथ में मस्ती वगैरह करने के बाद में अभी बज गए हैं 2, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। और मॉर्निंग में भी जल्दी उठना है, क्योंकि मॉर्निंग में भी सुबह जल्दी से आरती वगैरह करना है इसीलिए। तो बस ऐसा था आज का शेड्यूल, और ऐसा था कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा स्थापना के साथ में ब्लॉग। और इसका जो स्थापना के बाद में जो भी होगा, जैसे कल कृष्ण भगवान जी उठ जाएंगे, तो वो भी ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। कल का जो भी शेड्यूल होगा, जो भी रूटीन होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और ऐसी थी हमारे घर की पूजा। आप लोगों के घर में कैसी होती है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप लोगों को पसंद आता है मेरा ये ब्लॉग, तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।